हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको Realme 5i में FRP लॉक को कैसे अनलॉक करेंगे, वो भी एक मिनट में, सिर्फ एक ही क्लिक में FRP लॉक को अनलॉक कैसे करेंगे, इसी बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन में वाईफाई या फिर डेटा चालू कर लेंगे, इसमें सिम पड़ी हुई है और इसका डेटा भी चालू है तो हमें वाईफाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसे स्किप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसे स्किप कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद डोंट कॉपी पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर हम फिर से एक मिनट तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर पासवर्ड नहीं पता है इसलिए हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके आगे कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ कैंसिल पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल डालने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ये ईमेल पता है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ईमेल नहीं पता, अब हम इसे कैसे बैक करेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम बैक जाएंगे। चलिए यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। आपको वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरा बैक कर लिया है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं, एक है इमरजेंसी कॉल का और दूसरा है नेक्स्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो हम इमरजेंसी कॉल पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक सीक्रेट कोड डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कोड डालते ही आपके फोन से FRP लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए हम कोड डाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको *#813 डालना है। ये डालने के बाद आप जैसे ही अपने फोन में हैश दबाएंगे आपका FRP लॉक मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने हैश डाला, हैश दबाने के बाद हमारे फोन से FRP लॉक अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर कोई भी ईमेल डालने का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम कोई भी ईमेल नहीं डालेंगे फिर भी हमारा FRP लॉक अनलॉक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।